वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संत बाबा ईशर सिंह नानकसर स्कूल वालों साढ़े को बच्चे पहुँचे ने जी, जो कि रणजीत एवन्यू बली बी ब्लॉक अमृतसर शहर में पैंदा है। तो अज असी श्री सहज पाठ उच्चारण मुकाबले हो रहे हैं वेरका विखे गुरद्वारा नानकसर साहब विखे। ये सारा जो सहज पाठ लहर चलाई जा रही है सरदार जतिंदर सिंह उप्पल जी के सहयोग सदका चलाई जा रही है। गुरु नानक साहब उन्होंने सेहत बिल्कुल नरोई रखन, उन्होंने हमेशा चढ़ती कला च रखन। तो आओ उन्हां वल्लों ये परोए गए माला विच जिहड़े मोती परोए गए ने बच्चों के, जिन्होंने कि दूर दूर जाके साडे वीर सहज पाठ नाल जोड़दे ने साडे कोल पहुँचे ने। तो आओ इन्हां ने अपनी जिंदगी विच घट तो घट एक बारी सहज पाठ संपूर्ण कर लिया जी। तो इन्हां तों सुणदे आ कि सहज पाठ करन नाल इन्हां दे जीवन च की बदलाव आया जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पुत्तर की नाम आप जी दा? राजदीप सिंह। राजदीप सिंह जी किहड़ी क्लास पढ़ते हो? नौवीं क्लास। कितना सहज पाठ आप जी दा? पहला सहज पाठ संपूर्ण कर लिया। हाँ जी। तो किदां दा लग रहा आप जी नूं? महसूस वधिया हुंदा है जी। जो कोई कहता कि गुरबाणी च शक्ति नहीं हैगी, प्रतख वेख सकता, मेरे प्रतख बीती है। किदां दसो तुसीं जूर संगत जी ने? कोविड दे विच प्रॉब्लम आई, मेरी फीस नहीं हुई जी। बाद विच गुरु साहब की कृपा ना किसी ना किसी ढंग ना किसी भी संस्था दे राही हो गई, वो फीस मतलब कि दी गई। हाँ जी। मतलब कि देखो जी, इन्हों गुरबाणी ने एक चानन, क्योंकि कहीं कहीं ना जो अभी गुरबाणी पढ़ते हैं ना, परमेश्वर ने कि घटनावान घटा रहा, वह घट दिया ने कि सा विश्वास बनता है ना। मतलब कि फीस नहीं दिती गई, पर पता नहीं परमेश्वर आप आए ने, वो आप किसी वे चल के आए ने, तो उन्होंने इन्हों का कार्ज संवार दिता। बिल्कुल जी जी बिल्कुल जी। हाँ, गुरु रामदास जी बाँह फटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अं कहने कि वह निमाणिया के माण ने, नेताणिया के ताण ने, तो न्योटिया की ओट ने, तो न्यासिया के आसरे ने, वह कोट ने। धन धन श्री गुरु रामदास जी। हाँ, वाहिगुरु शाबाश पुत्र। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कि क्लास पढ़ते हो? एट क्लास। कितना सहज पाठ आप जी का? पहला सहज पाठ है। तो थोड़े घर में होर कोई सहज पाठ करता है जी? पापा और मम्मा करते हैं। तुम उन्होंने नाल मिलकर किया कि आपे किया? पापा मम्मा के नाल मिलके किया एक बार। ठीक है, हूँ अगला सहज पाठ आप करोगे? कर लोगे ना हूँ अगला सहज पाठ आप? हाँ, शाबाश। आप जी का की नाम है जी? स्नेहदीप सिंह। स्नेहदीप सिंह जी, कितनी क्लास पढ़ते हो? दसवीं क्लास। तो कितना सहज पाठ आप जी का? पहला हो गया है। पहला हो गया है। कुछ कहना चाहोगे सहज पाठ बारे? सहज पाठ करना मन को बहुत शांति मिलती है जी। जो सहज पाठ शुरू किया है उदो मन च बड़ा चा ही, तो एंड तक बनया रहा। अच्छा, महामन के चा शुरू च सी तो खीर तक बनया रहा। हां जी। तो हुन फिर एक नवे चार नाल सहज पाठ शुरू करना। ठीक है, शाबाश पुत्र। हाँ जी, ये साढ़े को दादी जी आए ने जी बच्चों के नाल, तो इन्हों तो असं सुनते हैं कि इन्हों को तो बहुत खजाना होना जी। बड़ी उम्र इन्होंने हंडाई है, गुरु ने बड़ी गल्लां कीतियां ने। आओ असं इन्हों को सुनते हैं कि इन्होंने किदा दे गुरु ने गल्लां कीतियां ने जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी माता जी, आप जी का नाम जी? जगदीश कौर जी। संगत नूं असं इस तरह भी पोतरियां मेरिया पाठ कर दें सहज पाठ जी, इन्हों वाल वेख के मैंने भी उत्साह बहुत होया भी मैं भी पाठ करा करा। तो मैं भी शुरू किए, चार सहज पाठ हो गए जी अज समाप्ति। मतलब कि जदों तुम पहला सारी जिंदगी सहज पाठ नहीं किया, जो ये पोतियां तड़ियां घर पोथी लै गई फिर तुम सहज पाठ किया? देखो संगत जी, सब तो वड्डी गल यह साडा मेन मोटिव यह आ कि असी पहला जड़ नूं मतलब कि पानी दे दिए तो रोखा पड़िया भरिया भरिया हो जाएगा, है ना। मतलब कि बच्चों ने पहला स्कूल विच्चों सहज पाठ दी पोथियां लित्तियां, वो घर लैके गए, तो इन्होंने सारी जिंदगी कभी सहज पाठ नहीं सी किता, मतलब कि गुरु के असल दर्शन नहीं सी किते, पर इन्होंने बाद विच आप खुद चार सहज पाठ कर ले ने, ता ही अं बच्चों सहज पाठ नाल जोड़ते हैं। तो यो ही संगत जी, तो आप जी नूं भी बेनती आ कि अपने बच्चों सहज पाठ दी पोथियां नाल जोड़ दिओ, है ना। तुसीं संगत नूं कोई बिल्कुल इन्हें पाठ करना तो मैनू मन च होना, मैं नहीं पाठ करती, मैं भी करया करा जी। बाद च फिर मैं क्या भी मैनू भी डायरी गाओ कोई लिया के, मैं भी सीख करा, मैं भी फिर नाल इन्हें शुरू कर ले। ते ओ दूजी पोतरी ओ भी करदी आ। की तां कुछ महसूस इदां हुंदा कि पहला जिंदगी च कुछ घट सी ते पर सहज पाठ करन तों बाद अंदर कोई मन नूं हुंदा ही, हुण इन्ना मन नूं हुंदा भी जिंचर करीए ना पता नहीं की खो गया, सानूं कुछ कीता ही नहीं गा, अज सारा दिन जिहड़ी सारी पहला जिंदगी सी एवें लंघ गई कम्मां च लंघ गई बस। चलो जरूर करना वा। हाँ जी, महाराज इन्हां नूं अपने बाणी नाल जोड़ी रखे, पोतरियां लवे के बड़ा मन खुश हुंदा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, बड़ा मन नूं ठंड पैंदी है। बिल्कुल। हाँ, चलो वाहेगुरु जी का खालसा।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ 10th ਕਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸਹਿਜ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੇੜਾ ਲੱਗੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਜੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘਰੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਬੀ ਬਲੋਕ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ